जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। CDS 2020 की कट ऑफ के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि CDS 2020 की कट ऑफ कितनी रही है। देखिए, कल आपका रिजल्ट आया, उसके बाद बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जिससे हम एक निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि CDS में इस बार OTA की, IMA की और INA और AFA की कट ऑफ क्या रही है। तो चलिए इसी के ऊपर देखेंगे, प्लस ये भी देखेंगे कि CDS जिनका क्लियर हुआ है और जिनका क्लियर नहीं हुआ उन्हें अब आगे क्या करना है। और इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि क्या रीजन रहे कि इस बार कट ऑफ जो है ज्यादा गई है और नेक्स्ट टाइम हमारी तैयारी किस तरह से होनी चाहिए। इसके अलावा CDS 2021 का बैच चल रहा है, अगर आपको नोट्स चाहिए हो, मॉक टेस्ट चाहिए हो, करंट अफेयर्स गाइडेंस चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे और एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस बार जो हमारी छोटी सी फैमिली थी CDS 2020 की, उसमें से 300 प्लस एस्पिरेंट्स ने CDS का रिटर्न एग्जाम जो है क्लियर किया है और काफी मैसेजेस अभी तक आ रहे हैं और ये नंबर आगे भी बढ़ने वाला है। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी इस बात की भी है क्योंकि इनमें से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार CDS का रिटर्न जो है इस बार क्लियर किया है और उनको क्लोजली ऑब्जर्व भी किया था मैंने, पिछली एक दो बार से वो फेलियर जो है इनकाउंटर कर रहे थे। तो ये बच्चे जो है आपके लिए एक तरह से मोटिवेशन है क्योंकि ये बच्चे जिस प्रोसेस से गुजरे हैं उसी प्रोसेस से आप गुजरने वाले हैं जिनका अभी CDS का रिटर्न क्लियर नहीं हुआ। एक या दो बार अगर आपका CDS का रिटर्न नहीं भी निकला है तो आपको जरूरत है सही डायरेक्शन में मेहनत करने की, क्योंकि आज अगर आपका क्लियर नहीं भी हुआ है, आज अगर आपका वो माइंडसेट नहीं भी है, कल वो माइंडसेट आपका बदलेगा और जब आपका माइंडसेट बदलेगा तो उसके बाद अगली बार जो डेढ़ महीने के बाद आपका एग्जाम है CDS का, तो तब आपका भी ये जो रिटर्न एग्जाम जो है CDS का अच्छे नंबरों के साथ निकलेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या कट ऑफ रही है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब कट ऑफ के बारे में। तो देखिए, ये जो हमारी कट ऑफ रही है इस बार काफी ज्यादा जंप देखने को मिला है। लास्ट दो बार से OTA की कट ऑफ रही थी 95, लेकिन इस बार 95 को भी कट ऑफ ने क्रॉस कर लिया है। तो ये जो मैं कट ऑफ आपको बताने जा रहा हूं ये उसके अकॉर्डिंग है जो कल मैसेजेस आए हैं जिन बच्चों का क्लियर हुआ है और जिन बच्चों का क्लियर नहीं हुआ उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताऊंगा। अब कुछ चीजें आपने नोटिस जरूर कर लेनी है कि जो आपने मार्क्स काउंट किए थे वो 0.83 के अकॉर्डिंग ही किए थे, एक क्वेश्चन ठीक होने पर 0.83 और गलत होने पर 0.27, तो इसी के अकॉर्डिंग के आपने मार्क्स देखे हैं। दूसरी चीज, UPSC की आंसर की और बाकी सभी की आंसर की में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, तो जब भी आपके कोई मार्क्स बनते हैं, जैसे सपोज करिए कि आपके बने 105, तो प्लस माइनस 2 का मार्जिन आपको लेकर चलना होता है। दो मार्क्स आपके बढ़ भी सकते हैं, एक दो मार्क्स आपके कम भी हो सकते हैं जब UPSC का रिजल्ट आता है, क्योंकि कई आंसर्स जो है ऐसे होते हैं डाउटफुल होते हैं। अब उसका पता तो बाद में ही चलता है जब UPSC अपनी ऑफिशियल आंसर की रिलीज करेगा। अब देखते हैं, देखिए इस बार जो OTA की कट ऑफ रही है वो रही है 99 के अप्रॉक्स जो है इस बार OTA की कट ऑफ रही है, 99 से कम बिल्कुल भी नहीं थी। INA की कट ऑफ जो रही है 132, इसके अलावा IMA की कट ऑफ रही है 142 एंड AFA की कट ऑफ रही है 149। तो ये कट ऑफ जो है इस बार देखने को मिली है CDS 2020 की। अब देखिए बहुत सारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है कि जब कट ऑफ जाती थी 85 तो उनके मार्क्स आते थे 80-82, तो बच्चों ने इंप्रूव तो किया है। देखिए पेपर का एक चीज आपको यह भी माननी होगी कि पेपर का लेवल भी वैसा नहीं रहा जैसा डेढ़ साल या दो साल पहले UPSC का पेपर GS का आता था। जो अभी के पेपर आ रहे हैं पिछले दो तीन बार के, वो कंपैरेटिवली इजी है। पहला फैक्टर तो वो ये है ही, दूसरा फैक्टर एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। देखिए जैसे लास्ट दो बार 95 कट ऑफ गई है, इस बार 99 कट ऑफ गई है,
तो अगली बार थोड़ा डिफिकल्ट पेपर आ भी जाएगा ना, तो भी कट ऑफ बहुत ज्यादा नीचे नहीं आएगी। कैसे? देखिए आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए होता क्या था, 1955 से पहले भी एक मील, 1 माइल को अगर भागना होता था ना, तो माना जाता था कि 4 मिनट से कम में ये भागा नहीं जा सकता। 1 मील अगर आपको भागना था तो 4 मिनट से पहले नहीं भागा जा सकता, तो यही माना जाता था। लेकिन रॉजर बेनिस्टर ने 1955 में 3 मिनट और 59 सेकंड में ये अचीव कर लिया। और उसके बाद कम से कम नहीं तो 2000 एथलीट्स ऐसे हैं आज तक जो कि 4 मिनट से कम में भाग चुके हैं। तो इससे मैं क्या बताना चाहता हूं, आपको ये बताना चाहता हूं कि जब एक साइकोलॉजिकल बैरियर हट जाता है ना, पहले बच्चे CDS की तैयारी यही मान के करते थे कि 80 या 90 मार्क्स आ जाएंगे तो उनका पेपर क्लियर हो जाएगा। 100 मार्क्स की, 105, 110, 115 की सोचते ही नहीं थे उठिए में। अब आपको सोचना पड़ेगा, अब आपके सामने क्लियर है, आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। अब जैसे आप क्रिकेट की एग्जांपल ले सकते हैं, सचिन तेंदुलकर ने डबल 100 2010 में मारा था ODI में पहला, तो उसके बाद कितने ही बैट्समैन ऐसे हुए हैं जिन्होंने ODI में डबल 100 जो है स्कोर किया है। इससे क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर की बात होती है। लास्ट टाइम भी मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे तैयारी ही इस अकॉर्डिंग कर रहे थे कि उनके अगर 90 आ जाएंगे ना तो क्लियर कर लेंगे। ये नहीं है कि उनका पोटेंशियल नहीं था, उनका पोटेंशियल 100 110 वाला ही है, लेकिन वो घर से ही सोचकर जा रहे हैं कि अगर 90 92 94 आ जाएंगे तो उनका क्लियर हो जाएगा। अगर आप घर से ही सोच के जाएंगे तो वहां पे टेम्पटेशन भी उतने के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो पहली चीज है कि वो साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं रहना चाहिए। जितना आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, उतना आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जब 85 कट ऑफ जा रही थी तो 83 तक आ रहे थे, जब 95 कट ऑफ जा रही थी तो 90-92 आ रहे थे, अब 99 कट ऑफ जा रही है तो 96-97 आ रहे हैं। तो मुझे पता है कि आप सभी की मनोव्यथा जो इस वक्त है UPSC को लेकर, वो एक ही चीज कह रही होगी कि मैं कब तक सुधारूं खुद को तेरे खातिर, मैं जब भी बेहतर होता हूं तुम बेहतरीन हो जाते हो। तो कट ऑफ जो है पहले से बेहतरीन हो रही है, लेकिन आपको एक ही चीज ध्यान में रखना है कि कट ऑफ बेहतर होगी तभी बेहतर होगी जब आप बेहतरीन हो जाएंगे। तो आपको वो साइकोलॉजिकल बैरियर तोड़ने होंगे, आप इंप्रूव कर रहे हैं लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर इतने बच्चे क्लियर करते हैं तो उसमें से सिर्फ इतने ही बच्चे हैं जो रिटन एग्जाम क्लियर करने वाले हैं, तो इस सर्कल में आपको आना होगा। इस छोटे से सर्कल में आने के लिए कुछ चीजें हैं, कुछ सेक्रीफाइसेस होते हैं, कुछ डेडिकेशन होती है, कुछ गलतियां होंगी, उसमें इंप्रूव करना होगा, अपने आप पर विश्वास रखना होगा, और अगले 1.5 महीने आपको इस तैयारी के लिए एक बार फिर से देने होंगे ताकि अगली बार जो UPSC के रिटन एग्जाम का लिस्ट आए, रिजल्ट आए, उसमें आपका नाम जरूर हो। इसके अलावा जिन भी बच्चों का CDS क्लियर हुआ है IMA और OTA के लिए, तो आप सभी को ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट के ऊपर जाकर रजिस्टर करना होगा। अगर आपने पहले ऑफिसर एंट्री के लिए रजिस्टर कर दिया हुआ है तो दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पहली बार CDS क्लियर हुआ है, पहली बार ऑफिसर एंट्री के लिए आर्मी के लिए SSB देने जा रहे हैं, तो ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्टर करना होगा, बाकियों को रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिनका भी CDS का रिटन एग्जाम क्लियर नहीं हुआ ना, तो उनके लिए CDS में किस तरह से 100 प्लस स्कोर करे OTA में, उसके लिए वीडियो आएगी। आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो नीचे ड्रॉप कर देना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकूं। इसके अलावा मैं एक और चीज आपको क्लियर कर दूं, अगर किसी भी बच्चे को नोट्स चाहिए हो, मॉक टेस्ट चाहिए हो, या जो सबसे ज्यादा जरूरी है गाइडेंस चाहिए हो, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और हमारा बैच चल रहा है, गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है, उसमें एनरोल कर सकते हैं, जिसके चार्जेस भी कुछ ज्यादा नहीं होते, बहुत मिनिमल चार्जेस रखे गए हैं, और आपके लिए वो चीज बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। अब मैं एक और चीज आपको बता देता हूं। देखिए जब भी आप, मैं क्लियर कट बता रहा हूं कि एक चीज जो प्रॉब्लम सभी में है, हम अपनी गलती नहीं मानते। तो देखिए जब भी हम अपनी गलतियां नहीं मानते ना,
तब तक हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। और एक सीधी चीज, स्पष्ट चीज मैं आपको आज ही बता दूं, जिन भी बच्चों का कम मार्क्स से पेपर रहता है ना, उनको नेक्स्ट टाइम पेपर क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। देखिए ऐसा क्यों होता है, जब हमारे स्पोर्ट्स के लिए कट ऑफ गई 90, ठीक है, हमारे नंबर आए, किसी बच्चे के मार्क्स आए 60, तो उसे ना क्लियर कट पता होता है कि उसको नहीं आता था और उसकी गलती थी, और एक ही ऑप्शन है उसके पास जाकर पढ़ना है। तो जब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होती ना, उसे पता होता है कि सिर्फ पेपर क्लियर होगा पढ़ने से, वो बच्चा जब मेहनत करता है ना तो नेक्स्ट टाइम एग्जाम निकाल लेता है। अब 90% बच्चे वहां पर फंसे रहते हैं जिनका पेपर एक या दो मार्क से क्लियर नहीं होता, एक दो तीन चार मार्क से क्लियर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका आधा टाइम तो इस चीज में जाता है कि पिछली बार अगर सिर्फ दो क्वेश्चन ठीक हो जाते ना तो मेरा क्लियर हो गया होता। यानी कि वो ये नहीं देख रहे कि उनकी गलतियां कहां पर हुई है, उनका फोकस गलतियों पर नहीं है, उनका फोकस उस चीज पर नहीं है, उनका फोकस है कि यार कट ऑफ ज्यादा चली गई इसलिए क्लियर नहीं हुआ। उन्होंने दोष दे दिया किस्मत को, दोष दे दिया यूपीएससी को, दोष दे दिया कट ऑफ के ऊपर। अब जब वो इसके ऊपर करते रहेंगे ना कि यार एक या दो क्वेश्चन ठीक हो जाते, यार उस दिन मुझे आता था वो लेकिन छोड़ दिया, जब तक आप अपनी गलतियों पर नहीं जाएंगे, अब इससे क्या होगा, आपका जैसे ही ध्यान हटेगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि अगली बार का एग्जाम बहुत ज्यादा पास आ जाएगा, और जितनी तैयारी आपकी लास्ट टाइम थी ना उतनी ही तैयारी रहेगी, उसमें प्लस माइनस 5% होगा और नेक्स्ट टाइम फिर से वही रिजल्ट आएगा। इस वजह से मैं कहता हूं जिन भी बच्चों का सिर्फ एक दो तीन चार मार्क्स से ही पेपर रह जाता है ना, बहुत ज्यादा क्लोजली पेपर रह जाता है, तो उनको मेंटल टफनेस चाहिए, उनका ध्यान डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। पहली चीज, अगर आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ तो आज जाकर कहना है, ढूंढना है कि आपकी गलतियां कहां पर थी, कहां पे आप इंप्रूव कर सकते हैं। अपनी गलतियां मानेंगे तभी तो जाकर इंप्रूव करेंगे, इंप्रूव करेंगे तभी तो जाकर अगली बार रिजल्ट जो है बेटर आएगा, आपके हक में आएगा। अगर पिछले ही एग्जाम में रहेंगे, पिछली बार में ही रहेंगे और ये मानेंगे ही नहीं, आप मान लेंगे कि आपने तो सब पढ़ा था लेकिन ये पेपर क्लियर नहीं हुआ, अगर आपने अपनी गलती मानी ही नहीं तो अगली बार इंप्रूव जो है किस तरह से करेंगे। अगर आपके आज 95, 96, 97 आ रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी तो हैं, 115, 116, 120 आ रहे हैं, तो क्या इंप्रूवमेंट का स्कोप नहीं है? क्या 20 नंबर 30 नंबर आप अभी भी बढ़ा नहीं सकते? वो भी तो बच्चे हैं, वो भी तो बढ़ा रहे हैं, तो आपको भी बढ़ाने हैं। आपका पेपर एक दो मार्क्स से नहीं रहा, अगर कॉम्पिटिशन क्लियर करना है तो हमेशा टॉप की तरफ देखिए कि सबसे ऊपर जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, हमें वहां तक पहुंचना है। अगर वहां तक फोकस रखेंगे तभी तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। कट ऑफ के आसपास ही क्यों रहना यार, कट ऑफ के बहुत ज्यादा ऊपर निकल जाओ कि फर्क ही ना पड़े कट ऑफ कितनी जाती है, तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये जितने भी बच्चे हैं जिनके भी मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं, तो ये आपके लिए मोटिवेशन है, अगली बार आपको भी इस लिस्ट में आना है ताकि आप भी मुझे मैसेज भेजे और मैं प्राउड फील कर सकूं कि आपने सीडीएस का रिटन एग्जाम क्लियर किया है। तो चलिए आज के लिए लेता हूं विराम, जल्दी मिलूंगा अपनी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।